हाँ जी दोस्तों, स्वागत है थोड़ा सारे का अपने चैनल पर अमन स्टडी टिप्स से। तो लैके हाजिर हुआ थोड़े लिए नौवीं जमात के विद्यार्थियों लिए जोड़ा थोड़ा साइंस यानी कि विज्ञान का सितंबर का पेपर होना 2022 का। तो अज की वीडियो आप जो पहला वीडियो तुम्हें सैंपल पेपर करवाया सी, उस सैंपल पेपर अज आप फुल सॉल्वड थोड़े लिए लैके आए हैं। फुल सोल्यूशन अज आप करवावे उसके यानी कि फुल आंसरस थोड़े पेपर की भी आप तैयारी समझ लो कि होने वाली है। इस करके वीडियो एंड तक ध्यान देखते रहना। तो हाँ जी मित्रों, चैनल पर नवे चैनल जरूर सबसक्राइब कर लेना इस तरह की अपडेट सब तो पहले देखने लिए। हाँ जी मित्रों, तुम देख सकते हो जो तुम्हें कोई होर पेपर चाहिए अपन कमेंट करके दस देना, वो भी आप जल्दी लेके आ जावे। जिमें कि दोस्तों पहला वीडियो में आपूँ यह सैंपल पेपर करवाया से, अज आप इस फुल सॉल्वड सैंपल पेपर थोड़े लिए लेके आए हैं। अगे आप फुल आंसर करवावे। तो चलो फिर तुम पहला ये आंसर दस देने, अगे जो प्रश्न उत्तर ने उन्होंने तुम्हें आप अगे दस दें उत्तर कि ने। तो हाँ जी मित्रों, पहला आप सीक्यू टाइप वाले आंसर दस दें। जिमें कि तुम देख सकते हो पहले इस लगे प्रश्न आया कि एफ ई संकेत किस तत्व को दर्शाता है। हाँ जी मित्रों, यदा उत्तर हैगा ऑप्शन डी आयरन यानी लोहा। ठीक है, इस तो दूजा क्वेश्चन है अपना वे पानी के अणु विच एच रेशो जीरो की संख्या का सही अनुपात की है। हाँ जी दोस्तों, यदा उत्तर हैगा 2:1। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये भी। इस तो अगे अपना वे आंदा है तीजा प्रश्न, परमाणु अंक तो की भाव है। हाँ जी मित्रों, यदा उत्तर है ऑप्शन नंबर डी दोवें पहला तो दूजा। ठीक है, इस तो अगर चौथा प्रश्न है अपना वे ऋणात्मक आयनों को की कहा जाता है। हाँ जी दोस्तों, यदा उत्तर है ऑप्शन नंबर दूजा ऋण आयन। इस तो अगे अगला प्रश्न अपना वे पांचवा, जीवन की रचनात्मक मुढ़ली इकाई का नाम दसो। हाँ जी दोस्तों, यदा उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सैल। ठीक है, इस तो अगर छेवा प्रश्न आप लगा मनुखी शरीर विच सब तो सख्त टीशू केड़ा है। हाँ जी मित्रों, यदा उत्तर है ऑप्शन नंबर दूजा ईनेमल। ठीक है, इस तो अगर सातवां प्रश्न आप लगे नाड़ी टीशू डैश विच नहीं पाया जाता। हाँ जी मित्रों, यदा ऑप्शन नंबर डी आंसर है नाड़ी। ठीक है, इस तो अगर अगला प्रश्न आप लगे अठवां, लहू डैश नहीं है। हाँ जी मित्रों, यदा उत्तर है ऑप्शन नंबर दूजा प्रोटीन युक्त, यदा उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस तो अगर मतलब नौवां प्रश्न आ जाता, किताब ऑरिजन ऑफ स्पीसीज़ किस द्वारा लिखी गई है। हाँ जी मित्रों, यदा उत्तर तुम दस दें आप ऑप्शन नंबर बी डार्विन। ठीक है, डार्विन द्वारा। इस तो अगला प्रश्न दसवां, पंज जगत वर्गीकरण किस द्वारा दिता गया सी। हाँ जी मित्रों, दसवीं का आंसर है ऑप्शन नंबर सी लीनियस द्वारा। ठीक है, इस तो अगर मतलब ग्यारहवां प्रश्न है वर्गीकरण की मुढ़ली इकाई की है। हाँ जी दोस्तों, यदा भी आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्पीसीज। इस तो अगे बारहवां प्रश्न है, स्वय चालित वाहन का ओडोमीटर की मापदा है। हाँ जी दोस्तों, यदा उत्तर है ऑप्शन नंबर सी दूरी। इस तो अगर मतलब आता तेरहवां प्रश्न, पंज अते वेग दे गुणफल गुणनफल द्वारा सानू की प्राप्त होंदा है। हाँ जी मित्रों, तेरहवें का आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि बल। इस तो अगला प्रश्न अपन लवे चौदहवां, गुरुता आकर्षण दे कारण की होंदा है। हाँ जी मित्रों, यदा उत्तर है ऑप्शन नंबर डी दोवें पहला अते दूजा। हाँ जी मित्रों, इस तो अगर पंद्रहवां प्रश्न आ जाता अपन लवे, न्यूटन का गुरुता आकर्षण का नियम लागू होंदा है। हाँ जी मित्रों, यदा आंसर है ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मंड दियां सारियां वस्तां ते। इस तो अगला सोलहवां प्रश्न है, जेकर दो वस्तुआं विचली दूरी नूं पहला नालों छे गुणा वधा दिता जाता है तां गुरवती बल हो जाएगा। हाँ जी दोस्तों, यदा उत्तर ऑप्शन नंबर डी 1/36 गुणा। ठीक है, एम सी क्यूज़ का एंडला प्रश्न अपना भी है 17वां, धरती के आले दुआले का वातावरण किस द्वारा बनता है। हाँ जी मित्रों, यदा आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुरुता बल नाल। इस तो अगर दोस्तों अगे अपन लगे आ जाते हैं वड्डे यानी कि दो अंकों वाले प्रश्न। हाँ जी मित्रों, दो अंकों वाले प्रश्न में पहला प्रश्न है, पदार्थ के कणा दिया की विशेषतावां होंदिया हन। इहदा उत्तर है दोस्तों, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होंदे हन। दूजा पॉइंट है, पदार्थ के कणा विच खाली थां होंदी है। इस तो अगला है तीजा पॉइंट अपन लवे, पदार्थ के कण एक दूजे को आकर्षित करते हैं। इस तो अगे दोस्तों दूजा प्रश्न अपन लवे है 2 मार्क्स वाला, समंगी अते विखम अंगी मिश्रणा विच अंतर दसो। हाँ जी मित्रों, पहला आप तुहानू समंगी मिश्रण दस दें, ये तुसी यानी कि अंतर दसना अपने लैण मार के भी, जिमें कि उरे समंती आ गया। ठीक है, विखमंगी उरे आ गया, इस तरह भी कर सकते हो पेपर में। बाकी आप करवा दें,
इस विच पहला हैगा इस मिश्रण की बनावट एक समान होंदी है, दूजा पॉइंट है इस विच अंश आपस विच चंगी तरह घुले होंदे हन, इस तो अगला पॉइंट है इस मिश्रण के अंश वक् वक् विखाई देंदे हन, इस तो अगला प्रश्न है उदाहरण वजो पानी अते खंड का घोल अलकोहल पानी का घोल आदि। ठीक है, इस तो अगे आप दस देने तुहानूं इसका अंतर की है विखमांगी नाल। ठीक है, मिश्रण नाल इसका पहला पॉइंट है इस मिश्रण की बनावट एक समान नहीं होंगी, इस विच अंश आपस विच चंगी तरह नहीं घुले होंगे, वो तो उल्टा है। ठीक है, इस मिश्रण के अंश वक् वक् विखाई देते हैं। ठीक है, इस तो अगला पॉइंट आप लवे उदाहरण वजो गंदला पानी खून आदि। इस तो अगे दोस्तों आप लवे आएगा तीजा प्रश्न एक परमाणु नूं अखां नाल वेखना क्यों संभव नहीं हुंदा। हाँ जी मित्रों, जिहड़ा आपां तुहानूं प्रश्न करा रहे ना प्रश्न उत्तर बहुत ज़्यादा तुहाडे लई इंपोर्टेंट होण वाले ने, क्योंकि इन्हां विच्चों भी तुहाडे पेपर विच बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं, इस करके इन्हां नूं चंगी तरह याद जरूर कर लेना। तो बाकी इस तरह तुहाडा पेपर आवेगा बिल्कुल इस तरह का, बस क्वेश्चन जिहड़े अलग होणगे, कोई कोई इन्हां विच्चों भी प्रश्न आ सकते हैं, इस करके बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट ने तुहाडे लई। तीजे का आंसर हैगा परमाणु का आकार बहुत ही ज़्यादा छोटा होण कारण असीं परमाणु नूं अखां नाल नहीं वेख सकते। इस तो अगे चौथा प्रश्न है अपन लवे हेठ लिखिया के सूत्र लिखे। ठीक है, जिमें कि पहला हैगा अपन लवे सोडियम ऑक्साइड, अगला अगला हैगा एलूमीनियम कलराइड। पहला आप लिख देने सोडियम ऑक्साइड का NaO, यानी कि यह अपने करॉस बना के लिखना होंगे, तुहानू पता होगा इस तरह ही कर लेना। तो इस तो अगे अपन लवे पांचवा प्रश्न हैगा सैल नूं जीवन की संरचनात्मक अते क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। इहदा उत्तर हैगा क्योंकि सैल सजीवां दे शरीर की रचना करते हैं अते सजीवां दीआं सारीआं मुख क्रियावां जिवें साह लैणा मल त्याग परिवहन अते होर ढाह उसारू क्रियावां वक् वक् सैलां द्वारा ही हुंदीआं हन। इस तों अगे दोस्तों छेवां प्रश्न हैगा अपन लवे प्रकाश संश्लेषण लई किहड़ी गैस लोड़ींदी हुंदी है, इसका उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। इस तों अगे सत्तवां प्रश्न हैगा अपन लवे पौद्यां विच वाष्पुत सर्जन की भूमिका दसो, इहदा उत्तर हैगा पत्तियां विचों वाष्पां दे रूप विच पाणी बाहर निकलण नूं वाष्प उत्सर्जन कहिंदे हन। ठीक है दोस्तों, वाष्प उत्सर्जन पौद्यां दा तापमान घट रखण अते पौद्यां विच उचाई तक पानी पहुँचाउण लई खिच बल पैदा करदे हन। इस तों अगे दोस्तों अठवां प्रश्न हैगा बल्लवे जीवां नूं वर्गीकृत करन दे की लाभ हन, इहदा उत्तर हैगा दोस्तों संजीवां दी गिणती बहुत ज़्यादा होण कारण उन्हां बारे पढ़ना अध्ययन करना बहुत औखा है, इस काम नूं सौखा करन लई असीं संजीवां दा वर्गीकरण करदे हाँ। अते दोस्तों तुहानूं इस तरह के सारे पेपर सॉल्वड चाहिए ने, अपने एक बार कमेंट करके वध तो वध दस देना, फिर आप तुहाडे लई उही पेपर आप सॉल्व करके लियावांगे जल्द ही। तो चैनल में जरूर सबसक्राइब कर लियो, वीडियो कर दे अपने दोस्तों मित्र तक शेयर। इस तों अगे दोस्तों नौवां प्रश्न है जीवां नूं प्रोटिस्टा अते मनीरा जगत विच वंडण लई मापदंड की है, इहदा उत्तर हैगा दोस्तों तो यूकोरियोटी सैलां वाले जीवां नूं। ठीक है दोस्तों, प्रोटिस्टा अते प्रोरियोटी सैलां वाले एक सैली जीवां नूं मुनीरा जगत विच रखिया गया है। इस तों अगे दोस्तों अपन लवे दसवां प्रश्न आ जांदा गुरु दा आकर्षण दा सर्व व्यापी नियम लिखे, इहदा उत्तर हैगा दोस्तों ब्रह्मंड विच पुंज रखण वालियां हर दो वस्तुआं एक दूजे नूं खिचदियां हन, इह खिच बल दोवां वस्तुआं दे पुंजां दे दो गुणनफल दे सीधा अनुपाती अते दोवां दे केंद्रां विचकार दूरी दे वर्ग उल्ट अनुपात हुंदा है। इस तों अगे दोस्तों जिहड़ा इहदा फॉर्मूला है वह लिख देना। इस तों अगे मतलब आ जांदा ग्यारहवां प्रश्न सुतंत्रता डिगण का की अर्थ है, इहदा उत्तर है सिर्फ धरती दे खिच बल अधीन धरती वल डिग रही वस्तु नूं सुतंत्र डिगणा कहिंदे हन। इस तों अगे दोस्तों बारहवां यानी कि दो मार्क्स वाला इंडला प्रश्न हैगा अपन लवे उछाल बल तों तुसीं की समझदे हो, इहदा उत्तर है किसी द्रव द्वारा किसी वस्तु ते उपर वल नूं लग रहे बल नूं उछाल बल कहिंदे हन। इस तों अगे मतलब दोस्तों माड़े वड्डे प्रश्न आ जांदे ने, जिवें कि पहला हैगा मिश्रण अते यौगिक विच कोई तिन्न अंतर दसो, अंतर वाले आ गए। जिवें कि पहला हैगा अपना मिश्रण विच की अंतर है यौगिक नालों। ठीक है दोस्तों दस दें आपां तुहानूं
दो या दो तो वध तत्तां जां योगिक कवल मिश्रण बनाउण दे लई मिलदे हन, पर किसे नवें योगिक दा निर्माण नहीं करदे। ठीक है, दूजा पॉइंट हैगा मिश्रण दी बनतर बदलदी रहिंदी है। अगला पॉइंट है, तीजा पॉइंट दोस्तों इहदा हैगा मिश्रण उस दी मिलण वाले घटकां दे गुण दर्शाउंदा है। इस तों अगे आपां लवे आंदा योगिक, योगिक विच की अंतर है। दो या दो तों वध रंग इस इक खास अनुपात विच, ठीक है, इस तों अगे दोस्तों किरिया करके नवें योगिक दा निर्माण करते हन, नवें पदार्थ दी बणतर हमेशा स्थाई हुंदी है। इस तों अगे आपां लवे नवें बने पदार्थ दे गुण पूरी तर्हां अलग हुंदे हन। इस तो अगला प्रश्न, इस तो अगला अपन लगे पॉइंट है घटकों को केवल रसायनिक या बिजली रसायनिक प्रक्रिया राही ही निखेड़ा जा सकता है। इस तो अगर दोस्तों अपन लगे आ जाते हैं दूजा प्रश्न, अपन लगे आ जाता दिते गए यौगिकों के अणवी पुंजा की गणना कर, यानी कि अपन लगे यानी कि CH4CO2 यदि करनी अपने अणवी पुंजा। ठीक है, इस तो अगर मतलब तीजा प्रश्न है पौद्यां विच सरल टिशू गुंझलदार टिशुओं तो किवें भिन्न हन। इहदा उत्तर दोस्तों इहदे विच आपणे इस विच भी आपणे इसका अंतर समझणो, अंतर लिखना है, ये अंतर दित्ता हो करिया होया इन्होंने, विच भी अंतर लिखना आपणे। इस तों अगे दोस्तों आपां नूं चौथे प्रश्न आ जांदा है स्टोमेटा दे की कम हन। हाँ जी मित्रों, इहदा उत्तर हैगा पत्तियां दी सतह उपर बरीक छेदां नूं स्टोमेटा कहिंदे हन। इसका उत्तर हैगा, ठीक है दोस्तों, स्टोमेटा दे कम पहला हैगा वाष्प उत्सर्जन, दूजा हैगा गैसा की वटांदरा। इस तों अगे दोस्तों पंजवा प्रश्न हैगा पलवे टेरिड वाइट अते वैनी वैनिर गमी विच अंतर। हाँ जी मित्रों, इस विच भी अंतर दसना अपने, छेवें विच भी अपने अंतर दसना, तुसीं देख सकते हो। अगे मतलब सातवां प्रश्न है चाल अते वेग विच अंतर दसो, इस विच भी अंतर दसना चाल अते वेग विच। इस तों अगे वस्तु दे पुंज अते भार विच अंतर दसना अपने। ठीक है, अंतर वाले दोस्तों वधिया प्रश्न आणगे, तुहानूं बहुत सारे इस करके चंगी तरह याद कर लेना, इन्हां विच भी आ सकते हैं। इस तों अगे दोस्तों अपने लवे छे छे नंबरों वाले प्रश्न तीन आणगे। ठीक है, तिना विचों तुहानूं ऑप्शन आऊगी जिवें कि तुहानूं पता होवेगा 20 नंबर का जिहड़ा तुहाडा अप्रैल मई वाले सिलेबस चो आऊगा अते अते जुलाई अगस्त दे विचों तुहाडे आवेगा 60 मार्क्स का, टोटल तुहाडा पेपर आवेगा 80 मार्क्स का। अते दोस्तों जिवें कि तुसीं देख सकते हो जिहड़े तुहानूं आपां क्वेश्चन दिखा रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट ने, क्योंकि इन्हां विचों भी आ सकते हैं। तुसीं देख सकते हो दोस्तों ये भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ने, वड्डे प्रश्न आ गए जिवें ये। ठीक है दोस्तों, इस तरह के प्रश्न आएंगे, इन्हां नूं एक बार चंगी तरह याद जरूर कर लेना। जे तुहानूं इसका PDF चाहिए अपन टैलीग्राम से ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन च है, उत्थे आपां नूं सबसक्राइब कर लेना, तो उत्थे अपने चैनल की भी अपडेट सब तो पहले तुहानूं मिलती रहेगी। और दोस्तों जो तुहानूं कोई होर पेपर चाहिए अपन कमेंट करके जरूर दसना, जल्दी आपां तुहानूं फुल सोल्यूशन के नाल होर भी पेपर लैके आते रहेंगे। इस करके चैनल में कर लेना सबसक्राइब, तो नाल दी घंटी में ऑल नोटिफिकेशन कर देना, ताकि आप जब भी वीडियो पाइए उसकी नोटिफिकेशन सब तो पहले थोड़े तक पहुँच जाए। तो हाँ जी मित्रों, वीडियो दे लगी लाइक कर देना, कर देना अपने दोस्तों मित्रों तक शेयर, इस तरह ही तुहाडे लई आपां सॉलिड पेपर लैके आते रहेंगे। इस करके चैनल पर बने रहना, तो कर देना अपने दोस्तों तक जरूर शेयर वीडियो में, वो तो वो तुहाडे लई आपां वीडियो बनाने, देखो सॉल्व करके लिया तुहाडे लई पेपर आप। इस तरह दोस्तों आपां नूं कमेंट करके एक बार जरूर दस देना तुहाडी क्लास से कि पेपर तुहानूं चाहिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सारयां नूं धन्यवाद।